Anaya's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है। एक भेड़ थी और उसके एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा भी था। आपको पता है भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, तो उसका एक छोटा सा मेमना था। भेड़ उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसको अपने से दूर नहीं जाने देती थी, उसके खाने पीने का ख्याल रखती। वो उसकी आंखों के सामने ही खेलता कूदता और फिर भेड़ के पास वापस आ जाता। भेड़ उसको इसलिए दूर नहीं जाने देती थी कि जंगल में बहुत सारे खौफनाक जानवर रहते हैं, और मेमना बहुत मासूम था, उसको आइडिया नहीं था कि मुझे इनसे कैसे बचना है। लेकिन एक दिन मेमना भेड़ से कहने लगा कि मुझे भी दूर जाने दें, मैंने भी खेलने जाना है, मुझे जंगल में जाने दें। तो भेड़ ने उसको बहुत समझाया कि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, तुम वहाँ ना जाओ। बहरहाल फिर भेड़ को उसकी ज़िद के आगे हार माननी पड़ी और उसने उसे कुछ नसीहतें की कि तुम दूर नहीं जाना, बस पास पास ही खेलना और जल्दी ही वापस आ जाना, अंधेरा होने से पहले पहले घर वापस आ जाना। तो मेमना उसकी बात मानकर चला गया। थोड़ी दूर खेलते खेलते जब वो गया तो उसे प्यास लग गई। वो नदी किनारे पानी पीने गया। जंगल में एक ठंडे मीठे पानी की नदी भी थी। जब वो वहाँ पर पानी पी रहा था तो एक भेड़िए ने उसे देख लिया। भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। अब भेड़िए ने सोचा कि क्या तरकीब की जाए कि मैं इसको किस तरह से खाऊं। पहले तो वो थोड़ी देर छुप के उसे देखता रहा और जब उसके जहन में तरकीब आ गई तो वो निकल आया और आकर उसे कहने लगा, ये तो मेरा इलाका है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरा सारा पानी गदला कर दिया। तो मेमने ने कहा, लेकिन पानी तो मैंने गदला नहीं किया, क्योंकि पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है। अब तो भेड़िए को थोड़ा और गुस्सा आया, उसने कहा, लेकिन ये मेरा इलाका है, ये पानी मेरे कब्जे में था, तुम यहाँ क्यों आए पानी पीने के लिए। अब थोड़ी देर की बातचीत के बाद मेमने को थोड़ी सी समझ आई कि ये भेड़िया मुझे खाने के चक्कर में तो नहीं है। और वैसे भी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे नसीहत की थी कि किसी जानवर से बातचीत नहीं करनी। मेमने को थोड़ा सा शक पड़ा कि ये कहीं मेरे साथ इसलिए तो बातचीत नहीं कर रहा। मेमने ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भेड़िए ने भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। अब इनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे एक गांव का आदमी जिसका वहाँ से गुजर हो रहा था, उसने उन्हें देख लिया। जब उसने देखा कि भेड़िया मेमने के पीछे भाग रहा है और उस पर हमला आवर हो रहा है, तो उस आदमी ने भेड़िए पर हमला कर दिया और भेड़िए को बहुत ज़ोर से लगी और भेड़िया रोता चलाता वहाँ से चला गया और इस तरह वो मेमने का शिकार ना कर सका। वो समझ रहा था कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बहुत चलाक हूँ और मैं अपनी इस चलाकी की वजह से मेमने पे कब्ज़ा कर लूँगा और उसको मैं चीड़ फाड़ कर उसका खात्मा कर दूँगा, उससे खा लूँगा। लेकिन कभी कभी ज़्यादा चलाकी भी अच्छी नहीं होती, इसलिए आपको ज़्यादा चलाक और ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह भेड़िए ने ज़्यादा चलाकी दिखाई और इस तरह से वो अपना शिकार भी ना कर सका और गांव के उस आदमी ने उसको जख्मी भी कर दिया।